हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज, दिस इज राहुल सूर्यवंशी। हाँ मुझे पता है आप सोच रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरे इतने वीडियोस में मैंने ये बात शेयर नहीं की कि मेरे पास एक कार है। यस आई हैव अ कार हुंडई ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स वर्जन। और ये इसलिए है क्योंकि मैं कभी कार चलाता नहीं, आई एम नॉट अ कार लवर। अब पता है ये सुन के बहुत लोग गालियां देंगे, लेकिन हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। वन ऑफ द मेन रीजन कार ना चलाने का ट्रैफिक यार। यस आई एम अ गुड ड्राइवर बाय द वे, आई ड्राइव कार वेरी नाइसली, बहुत दूर दूर तक लेकर गया हूँ। आज के वीडियो में कार ही चलाने वाला हूँ। बाय द वे अच्छी है मेरी ड्राइविंग। आज के वीडियो में और दो दोस्त होंगे मेरे साथ, उनको भी पिक करना है मुझे, तो चलिए। Day two. Well, I was going to make a proper vlog about my traveling, लेकिन यार दोनों दोस्त एक साथ मिल गए, बहुत दिनों के बाद मिले तो बातें हुई, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। वेल मैंने जरूर व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आई मेड श्योर कि मैं आपके लिए वीडियोस जरूर बनाऊं और मेरी नाइट आउट की जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं। इनकेस यू आर वंडरिंग कि मैं कार में बैठा फिर कहां गया, कब गया, कितने बजे गया, तो मैं बता दूं, मी एंड माई फ्रेंड्स हम लोग खारगर गए। डोंबिवली से खारगर रोड इज अराउंड 1 to 2 hours, सब ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। मैं डोंबिवली वेस्ट में रहता हूँ, 2 hours लग जाता है। एंड इनकेस यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बाय लोकल ट्रेन, तो लोकल ट्रेन से भी सेम लगता है, सेम टाइम लगता है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू टेक 2 local trains फ्रॉम डोंबिवली टू थाने एंड थाने टू खारगर। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डोंबिवली टूवर्ड्स खारगर। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि नाइट आउट का प्लान करते हैं। तो नाइट आउट कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि हम लोग खारगर टू गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे थे। जर्नी प्लान हुई गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर मरीन ड्राइव की। एंड दोस ऑफ यू डोंट नो, गेटवे ऑफ इंडिया से मरीन ड्राइव इज अराउंड 4 to 5 kilometers। फिर आगे की जर्नी प्लान हुई मरीन ड्राइव से लेकर मलाबार हिल गए। मलाबार हिल से रास्ते में हाजी अली आया। That's हाजी अली। पर्सनली मुझे चलाना था बैंड्रा वर्लिंग सीलिंग पे,
क्योंकि कार से ड्राइव कर रहे थे। बांद्रा वर्लिंग सीलिंग पे 200 वी डोंट नो, टू व्हीलर अलाउड नहीं है। मेरे पास कार थी तो मैंने सोचा बांद्रा वर्लिंग सीलिंग पे भी एक ड्राइव हो ही जाए। एंड माइंड इट, बांद्रा वर्लिंग सीलिंग लुक्स वे ब्यूटीफुल एट नाइट, वे ब्यूटीफुल। ट्रैवलिंग फ्रॉम बांद्रा वर्लिंग सीलिंग वी वेंट टू बैंडस्टैंड और ये सब घूम फिर के अराउंड सुबह के 4-5 बज गए। जर्नी चालू हुई घर की तरफ आने की। सुबह 4 बजे ट्रैफिक होती नहीं है तो हम लोग तुरंत पहुंच गए घर। 4 बजे निकले वहां से और 6 बजे तक घर पे पहुंच गए थे। मुंबई की असली खूबसूरती रात को ही दिखती है क्योंकि ट्रैफिक नहीं होते, लोग नहीं होते, गर्मी नहीं होती। सो इफ एनीवन वांट्स टू सी द रियल ब्यूटी ऑफ मुंबई, यू शुड विजिट इन नाइट। नाइट में मुंबई बहुत कमाल की लगती है, बहुत कमाल की लगती है। सो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी नाइट आउट की। बाय द वे, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड कमेंट।